हेलो दोस्तों, वेलकम टू समड अप। एक दिन पॉल एलन हार्वर्ड स्क्वायर के एक न्यूज़पेपर स्टैंड से गुजर रहे थे और उनकी नजर जनवरी 1975 के एक मैगजीन पे पड़ी जिसके कवर पे दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कहा जाने वाले अल्टेयर की तस्वीर थी। वो ये देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए कि पर्सनल कंप्यूटर्स का जमाना आ चुका है, लेकिन फिर उनके अंदर ये डर जागने लगा कि वो ये पार्टी मिस न कर दें। तो जल्दी से वो ये मैगजीन लेकर भागते हुए बिल गेट्स के हार्वर्ड डॉर्म रूम में आए और कहा, ये हमारे बगैर ही हो रहा है। गेट्स ने उनसे ये मैगजीन लिया और अपनी चेयर पे आगे पीछे रॉक करते हुए जल्दी से ये मैगजीन पढ़ने लगे। जब उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ के खत्म किया तो गेट्स को ये यकीन हो गया कि एलन सही कह रहे हैं। अगले 8 हफ्ते दोनों दोस्त पागलों की तरह कोडिंग में डूबे रहने वाले थे, जो आगे जाकर पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं द इनोवेटर बुक से आप लोगों के साथ माइक्रोसॉफ्ट की केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ। इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस लेसन्स हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, 1955 में पैदा होने वाले बिल गेट्स को हार्डवेयर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उस वक्त के बाकी बच्चों से अलग उन्हें कभी भी रेडियो किट्स या सर्किट बोर्ड्स बनाने में मजा नहीं आता था। बिल गेट्स के लिए कंप्यूटर का जादू उसके हार्डवेयर में नहीं बल्कि उसके सॉफ्टवेयर में था। गेट्स के फादर एक कामयाब वकील थे और उनकी माँ एक सिटी लीडर थीं, जो अपनी जिद्दी पने के लिए जानी जाती थीं। लेकिन जल्दी उनका बेटा उन्हें इस जिद की लड़ाई में पीछे छोड़ने वाला था। उनकी माँ जब भी उन्हें बेसमेंट में आवाज देकर बुलाती तो गेट्स उन्हें सुना अनसुना कर देते थे। गेट्स की यह जिद देखकर उनकी माँ ने उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा उनका एटीट्यूड सही करने के लिए। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद उनके साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें ये कहा कि वो हार मान लें, गेट्स को मारने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो खुद यूज्ड टू हो जाएं उनके बिहेवियर के। हालांकि अपने बचपन में बिल गेट्स काफी स्पोर्ट्स खेलते थे, लेकिन वो अक्सर टीम स्पोर्ट्स को अवॉइड करते थे। दोस्तों, स्पोर्ट्स खेलने के बावजूद भी उनके शार्प माइंड, बड़े बड़े ग्लासेस और शर्ट पहनने के अजीब अंदाज से वो एक नर्ड लगते थे। 1965 में जब बिल गेट्स 12 साल के थे, उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया जिसका नाम था लेक साइड स्कूल। बिल गेट्स के लेक साइड में आने के कुछ ही महीने बाद वहाँ कंप्यूटर रूम में पहला कंप्यूटर टर्मिनल लाया गया। वो असल में एक पूरा कंप्यूटर भी नहीं था, बस एक टेलीटाइप टर्मिनल था जो फोन लाइन से जनरल इलेक्ट्रिक मार्क 2 से कनेक्टेड था, जो एक टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम होता था। उनके स्कूल लेक साइड के मदर्स क्लब ने $3,000 जमा करके उस सिस्टम का थोड़ा टाइम खरीदा था, जो कि उस वक्त $4.8 पर मिनट पड़ता था। दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा कि इस जमाने में दुनिया में कंप्यूटर्स इतने महंगे थे कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज उन्हें थोड़े टाइम के लिए रेंट पे लेती थीं। जब बिल गेट्स को उनके 7th ग्रेड के मैथ टीचर ने वो मशीन दिखाई तो बिल गेट्स पहले दिन अपने टीचर से भी ज्यादा जानते थे। वो उस मशीन में खो गए और अपने कुछ दोस्तों के साथ उस कंप्यूटर रूम में जाने लगे जब भी उन्हें मौका मिलता था। जो लैंग्वेज वो कंप्यूटर यूज करता था उसे बेसिक कहा जाता था, जो इसलिए बनाई गई थी ताकि नॉन इंजीनियर्स भी प्रोग्राम्स लिख सकें। उनके स्कूल के कोई भी टीचर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते थे, लेकिन गेट्स और उनके दोस्तों ने मिलके बेसिक का 42 पेजेस का मैनुअल चार्ट लिया था और वो बेसिक के उस्ताद बन गए थे। और जल्दी वो अपने आप को ज्यादा मुश्किल कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी सिखाने लगे, जैसे फोर्ट्रॉन और कोबल। पॉल एलन, जो आगे जाकर बिल गेट्स के पार्टनर बने, वो उस वक्त बिल गेट्स से 2 साल बड़े थे। जब वो पहली बार लेक साइड कंप्यूटर रूम में बिल गेट्स से मिले तो वो बिल गेट्स से काफी इम्प्रेस हुए। दोनों दोस्त अक्सर मिलके शाम को देर रात तक उस कंप्यूटर रूम में साथ काम करते थे। एक दिन पॉल एलन जब बिल गेट्स के घर विजिट करने गए तो वहाँ उन्हें फॉर्च्यून बिजनेस मैगजीन के पड़े हुए ढेर मिले, जो बिल गेट्स बहुत शौक से पढ़ते थे। गेट्स ने एलन से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि एक बड़ी कंपनी चलाना कैसा होगा। तो एलन ने कहा उन्हें कोई आइडिया नहीं। उस पर गेट्स ने जवाब दिया, शायद एक दिन हमारी भी बड़ी कंपनी होगी। इसी रीडिंग और फॉर्च्यून मैगजीन के इन्फ्लुएंस ने उन्हें आगे आने वाले बिजनेस चैलेंजेस के लिए तैयार किया। यही वो रीजन था जिसकी वजह से बिल गेट्स ना सिर्फ एक नर्ड प्रोग्रामर थे बल्कि एक शार्प बिजनेसमैन भी साबित हुए। एक चीज जो बिल गेट्स और पॉल एलन में डिफरेंट थी वो ये कि एलन का दिमाग काफी डिफरेंट आइडियाज और पैशंस पे रहता था, वहीं बिल गेट्स एक टाइम में सिर्फ एक चीज के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाते थे, इसलिए वो जब भी प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें डूब से जाते थे। 1968 में जब गेट्स 8th क्लास में इंटर हुए तो उन्होंने एलन के साथ मिलके लेक साइड प्रोग्रामिंग ग्रुप बनाया। ये कुछ कंप्यूटर नर्ड लड़कों का गैंग वर्जन था, लेकिन जल्दी ये ग्रुप एक मनी मेकिंग बिजनेस में बदलने लगा। उनके पहले कुछ जॉब्स में PDP-10 कंप्यूटर्स पे कुछ प्रोग्राम्स को क्रैश टेस्ट करना, एक मोनोपोली गेम बनाना और स्कूल के लिए क्लासेस स्केड्यूल करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना शामिल था।
गेट्स ने उसके बाद तीन कॉलेजेस में अप्लाई किया जिनमें हार्वर्ड, येल और प्रिंसटन शामिल थे। तीनों कॉलेजेस ने उनको एक्सेप्ट किया पर उन्होंने सिर्फ हार्वर्ड को चूज किया। हार्वर्ड की कंप्यूटर लैब हॉवर्ड एकिन के नाम थी जिन्होंने मार्क वन कंप्यूटर इन्वेंट किया था। यहाँ गेट्स की फेवरेट मशीन PDP-10 थी जो मिलिट्री यूज के लिए पहले वियतनाम में असाइन की गई थी लेकिन बाद में मिलिट्री फंडेड रिसर्च के लिए हार्वर्ड को दे दी गई। वहाँ काफी PDP-1 कंप्यूटर्स भी पाए जाते थे जिन्हें ज्यादातर लोग उस वक्त की फेवरेट गेम स्पेस वॉर खेलने के लिए यूज करते थे। हार्वर्ड में पहले साल गेट्स ने एक बेसबॉल गेम बनाया और इसी तरह उनके पहले ईयर के सारे प्रोजेक्ट्स नॉन कमर्शियल थे यानी वो सिर्फ कंप्यूटर के शौक में बनाए गए थे। गेट्स एंड एलन मिलकर पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे बल्कि उनकी सोच इससे भी कहीं ज्यादा आगे थी। वो पर्सनल कंप्यूटर की पूरी इंडस्ट्री का पलड़ा सॉफ्टवेयर की तरफ झुकाना चाहते थे। उनकी सोच ये थी कि हार्डवेयर एक चेंजिंग कमोडिटी बन जाए जबकि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए। दोस्तों ये बिल गेट्स का शार्प बिजनेस माइंड था जिसने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री शुरू होने से पहले ही उसका पावर समझ लिया था। यानी हार्डवेयर कोई भी हो लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ उनका होना चाहिए। सारी हार्डवेयर कंपनीज आपस में लड़के हार्डवेयर की प्राइसेस गिराती जाएं और इसी तरह सस्ते हार्डवेयर की वजह से उनके सॉफ्टवेयर की प्राइसेस बढ़ती जाएं। उस वक्त ये सोचना ऐसा ही था जैसे बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर्स का फ्यूचर देख चुके हों। तभी 1975 में एलन वो मैगजीन लेकर बिल गेट्स के पास आए और दोनों दोस्त एक सॉफ्टवेयर बनाने बैठ गए जो अल्टेयर पे लोगों को अपने प्रोग्राम्स बनाने में मदद करेगा। ये सॉफ्टवेयर उस वक्त का पहला कमर्शियल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाला था माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लॉन्च करने वाला था। अपने इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए दोनों दोस्तों ने MITS यानी उस कंपनी को कॉल करने का सोचा जिसने अल्टेयर को बनाया था। गेट्स ने कॉल मिलाई और दूसरी तरफ से MITS से एड रॉबर्ट्स ने जवाब दिया। गेट्स ने जल्दी से भारी आवाज करके कहा, मैं पॉल एलन बोस्टन से बात कर रहा हूँ, हमने एक बेसिक लैंग्वेज बनाई है अल्टेयर के लिए, हम वो आकर आपको दिखाना चाहते हैं। रॉबर्ट्स ने आगे से जवाब दिया, मुझे ऐसे बहुत फोन आ चुके हैं जो भी सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट करके मुझे आके चला के दिखाएगा सिर्फ उसे ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। गेट्स ने ये फोन रखते ही जल्दी से एलन से कहा कि हमें ये बहुत जल्द बनाना पड़ेगा। अगले 8 हफ्ते दोनों दोस्त ये सॉफ्टवेयर बनाने में लग गए। बिल गेट्स उस वक्त दिन रात काम कर रहे थे, बीच बीच में 2 घंटे के लिए सोते और फिर उठकर अपनी आंखें मसल कर दोबारा काम पे लग जाते। बिल गेट्स की इसी स्पीड की वजह से सिर्फ 8 हफ्तों में उनका पूरा काम खत्म हो गया था। गेट्स ने एक लास्ट टाइम कोड को पूरा चेक किया और उसे निकाल के पॉल एलन को MITS ले जाने के लिए दे दिया। अगली सुबह एलन ने MITS को अपने सॉफ्टवेयर का टेस्ट दिया जिसे देखकर MITS के लोग काफी खुश हुए और MITS ने उनका सॉफ्टवेयर लाइसेंस करने की डील कर ली। शुरू शुरू में ये डील सिर्फ एक हैंडशेक डील थी लेकिन गेट्स ने बाद में एक फॉर्मल एग्रीमेंट करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने MITS को 10 साल सॉफ्टवेयर लाइसेंस करने के लिए एग्री किया और हर कॉपी पे $30 की रॉयल्टी चार्ज की। अब उन्हें एक नाम चाहिए था। उन्होंने काफी आइडियाज सोचे लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट्स में पॉल एलन एंड बिल गेट्स एस माइक्रोसॉफ्ट एग्रीमेंट में लिखवाया गया जो आगे जाकर शॉर्ट होकर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट रह गया। उसके बाद 1976 में बिल गेट्स ने हार्वर्ड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि तब उनकी ग्रेजुएशन में सिर्फ 2 सेमेस्टर रहते थे। उस वक्त IBM भी पर्सनल कंप्यूटर की इंडस्ट्री में आ रहा था। IBM ने बिल गेट्स को उनका बेसिक सॉफ्टवेयर लाइसेंस करने के लिए बुलाया लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत थी। माइक्रोसॉफ्ट के पास उस वक्त अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था लेकिन वो एक कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स नामी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे जो बिल गेट्स के बचपन के दोस्त गेरी किल्डल ऑन करते थे। बिल गेट्स ने पहले IBM को गेरी से मिलने का कहा तो वो अपना प्लेन उड़ाने के शौक के लिए जा चुके थे जिस वजह से वो डील नहीं हो पाई। तभी बिल गेट्स ने ये रियलाइज किया कि IBM इतनी बड़ी कंपनी है, वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगी वो सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड बनने वाला है। जो भी उस सिस्टम को ऑन करेगा सारा पावर उसके हाथों में होगा। उन्हें जल्दी ये पता लगा कि एलन के एक दोस्त टिम पैटरसन क्यूडोस के नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं। उन्होंने वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ $50,000 में हमेशा हमेशा के लिए ले लिया। फिर वक्त आया पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील का जिसे लोग आज तक बिल गेट्स की सबसे बड़ी जीत और IBM की सबसे बड़ी हार मानते हैं क्योंकि 1980 में इस डील के वक्त माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू सिर्फ $7.5 million था और IBM का रेवेन्यू $30 billion। लेकिन गेट्स एक ऐसा एग्रीमेंट करने जा रहे थे जो माइक्रोसॉफ्ट को उस ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक बना देगा जिसे ग्लोबल स्टैंडर्ड IBM बनाने वाला था। यानी मेहनत पूरी IBM की और पैसे कमाएगा माइक्रोसॉफ्ट। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर, ये कुछ ऐसा ही था।
बिलगेट्स ने शुरू में अपने सॉफ्टवेयर के लिए काफी लो प्राइस रखी, जिससे हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज ने कभी भी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का सोचा ही नहीं। जब IBM के साथ उनकी डील पूरी हुई तो माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ $186,000 मिले, जो उस वक्त बहुत ही छोटी अमाउंट थी। लेकिन बिलगेट्स उस एग्रीमेंट में IBM से दो बड़ी चीजें मनवा चुके थे, जो आगे जाकर पूरा पावर माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में लाने वाला था। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। उस एग्रीमेंट की पहली बात ये थी कि IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस, जिसे वो PC-DOS कहने वाले थे, वो नॉन एक्सक्लूसिव होगा, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ IBM एक्सक्लूसिवली यूज नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट उसे दूसरे कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनीज को भी बेच सकता है। और दूसरी बात ये कि माइक्रोसॉफ्ट MS-DOS के सोर्स कोड को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब IBM उसे चेंज नहीं कर सकता, और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही उसे चेंज कर सकता है और आगे उसके न्यू वर्जन बना के बेच सकता है। गेट्स को ये अच्छी तरह पता था कि IBM की PC की कॉपी करके बहुत सारी कंपनीज ऐसे PC बनाएंगी और उन्हें भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। दोस्तों, इसी डील की वजह से गेट्स अपने विजन को पाने में कामयाब हुए। उन्होंने IBM के PC और उनकी कॉपीज को एक बदलने वाली कमोडिटी बना दिया, जिसकी प्राइस पे वो कंपनीज कम्पीट करने लगी और पर्सनल कंप्यूटर्स की प्राइस नीचे आने लगी, और इसके साथ ही हार्डवेयर बनाने वाली सारी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन भी। लेकिन दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर बनाने वाले के हाथ में सारा पावर आता गया। आज भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में एक मोनोपोली है। गेट्स एक प्राइम एग्जांपल है एक इनोवेटर और बिजनेसमैन का, एक ऐसे इनोवेटर जो अपनी इनोवेशन को वैल्यू करना जानते हैं, एक ऐसे इनोवेटर जो अपने काम के लिए पागल थे, उसे बहुत प्यार करते थे, जो दिन रात लगातार काम कर सकते हैं और उसीलिए काफी नॉर्मल लाइफ की चीजें छोड़ सकते हैं। साथ ही गेट्स काफी जिद्दी और बागी इंसान थे, जिसके लिए ऊपर की अथॉरिटी के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। यही वो रीजन था कि वो IBM जैसी बड़ी कंपनीज को भी डील की टेबल पे मात दे पाए। उनकी इसी चीज ने उन्हें बाउंड्रीज को तोड़ के उन्हें पार करना सिखाया। लेकिन बिल गेट्स को अभी MS-DOS से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाने तक का सफर तय करना था, लेकिन वो जीरोक्स और स्टीव जॉब्स की मदद के बिना नहीं हो सकता था। तो हमारे अगले इनोवेटर्स के एपिसोड में हम देखने वाले हैं स्टीव जॉब्स की कहानी। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले संडे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।